हम श्री रामचंद्र को शीश झुकाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। फिर चरित विशाला बालाजी की लीला गाते हैं, हम लीला गाते हैं। है पवन पुत्र बजरंग बली का कलयुग में जो धाम, है कलयुग में जो धाम। उस मेहंदीपुर के बालाजी की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। शीतल मंद पवन के झोंके करे विभोर, मनमोहक वातावरण भक्ति रस बरसे चारों। वह भय भंजन मुनि मन रंजन अंजनी पुत्र हनुमान, है नाम रूप श्री बालाजी इस कलयुग में श्रीमान। भक्तों के भक्त देवों के देव बजरंग बली बलवान, है रमे हुए मेहंदीपुर में श्री बालाजी भगवान। उन शंकर सुवन के श्री नंदन के गुण गाते हैं, उनके गुण गाते हैं। सरकार यह एक शास्त्र वर्षों पहले जब प्रकट हुए ये दे, तब प्रथम महंत गुसाई जी को स्वप्न हुआ था। वे स्वप्न अवस्था में पहुँचे थे एक निर्जन स्थल पर, निज सेना सहित एक सेनापति देखा था छुप छुप कर। तब उस अद्भुत सेनापति ने एक प्रतिमा के आगे साष्टांग प्रणाम किया मन की पूरी तन्मयता से। कुछ अन्य अलौकिक अनुभव अब आगे बतलाते हैं। जगमग प्रकाश जिनके ऊपर, घंटे घड़ियाल नगाड़ों की ध्वनि चहुदिश गूंज रही। तब एक दिव्य वाणी ने उनसे अद्भुत बात कही। हे प्रिय महंत इस मंदिर की सेवा स्वीकार करो, मेरी शक्ति के माध्यम से जग का उपकार करो। फिर प्रकट हुए बजरंग बली हनुमान गदाधारी, श्रीमंत जी ने चरणों में गिर आज्ञा स्वीकारी।
उस दिव्य स्वप्न से श्री महंत जी बाहर आते हैं। फिर बाहर आते हैं बताकर निर्णय तुरंत लिया। उस निर्जन जंगल में